हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख ही सकते हैं कि मेरे हाथ में कैनन का मिररलेस R10 कैमरा है, जिसे मैंने जस्ट अभी परचेस किया हुआ है। इससे पहले मैं जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोस बनाता था वो अपने मोबाइल के हेल्प से बनाता था, और ये मेरा फर्स्ट कैमरा है जो कि आप बोल सकते हैं कि DSLR या मिररलेस सेगमेंट में। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कट कर रखा है, तो इसको खोल के देखते हैं। ये चार्जर है, इसमें बैटरी चार्ज करने के लिए दिया गया है। इसको हम साइड रखते हैं। ये केबल है, चार्जर केबल दिया गया है एक, और यहाँ पे एक बैटरी भी दिया गया है, और इसमें एक वारंटी कार्ड है, 2 साल का वारंटी कार्ड है, एक वारंटी कार्ड कवर दिया गया है, और कुछ ये बुकलेट है, और एक ये मैनुअल भी दिया गया है कैनन की तरफ से। ये ओके, कैनन इमेजिंग एकेडमी का एक कार्ड है, आप चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रैप दिया गया है, और इसका सर, और यहाँ पे ये बॉडी है कैनन EOS R10, देख सकते हैं। और ये है लेंस, 18-45 mm का लेंस है, जिसका अपर्चर 4.5 से लेकर 6.3 है। तो यहाँ पर बॉक्स में हमारे पास एक मेन बॉडी है कैनन R10, उसके बाद लेंस है 18-45 mm का, और ये केबल दिया है, चार्जर केबल दिया गया है, एक चार्जर दिया गया है, और ये बैटरी दिया गया है, एक स्ट्रैप है, और ये 2 साल की वारंटी कार्ड है, और मैनुअल है। ये कैमरा का टॉप व्यू है। सारे मोड्स चेंज करने के लिए बटन दिया गया है, ये ऑन ऑफ बटन है, ये फोकस लॉक करने के लिए बटन है, ये वीडियो आपका रिकॉर्ड करना है या बंद करना है उसके लिए बटन दिया गया है, और एक ये बटन भी दिया गया है, और फ्लैश यूज़ करना है तो फ्लैश भी इसमें है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जब यूज़ नहीं करना तो हम इसको बंद करके रह सकते हैं। यहाँ पे आप अलग से लाइट माउंट कर सकते हैं, अलग से फ्लैश माउंट कर सकते हैं, या माइक, एक्सटर्नल माइक माउंट कर सकते हैं, उसके लिए दिया गया, उसके लिए आपको इसको ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पर आप माउंट कर सकते हैं। और इसका बैक व्यू देखते हैं। बैक व्यू में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्फो बटन होगा, और यहाँ पे हमारे सारे सेटिंग बटन हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो पिक्चर हम ले चुके हैं या वीडियो ले चुके हैं उसको वापस देख सकते हैं, वाली बटन है। यहाँ पे जॉयस्टिक दिया गया है, आप स्क्रीन में जॉयस्टिक को मूव कर सकते हैं जॉयस्टिक की मदद से। यहाँ ऑटो फोकस ऑन का बटन है, और यहाँ आपका मेन्यू का एक बटन है, और यहाँ ये व्यू फाइंडर है अपना, इधर है। अब हम लेफ़्ट में जाके देखेंगे। लेफ़्ट में हमें माइक के लिए पोर्ट दिया गया है, यहाँ माइक का पोर्ट लगा सकते हैं, और यहाँ पे लेफ़्ट में और साथ में दिया गया SDMI केबल लगा सकते हैं आप,
उसके लिए पोर्ट है और सी टाइप का पोर्ट है। अब राइट में हम देखेंगे, राइट में हमारे तरफ कुछ भी नहीं दिया गया है। अब इसका हम फ्रंट देख लेते हैं। फ्रंट में बटन जो है, एक ये है बटन है, अगर आपको फोकस ऑटो रखना है या मैनुअल रखना है उसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। अब हम बॉटम में देख लेते हैं कि बॉटम में क्या दिया गया है। बॉटम में यहाँ पे देख सकते हैं कि अब कार्ड्स और बैटरी के लिए स्लॉट्स दिया गया है। यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं और यहाँ कार्ड लगाने के लिए, और ये आपको ट्राईपॉड में कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर किट बॉक्स में हमें एसडी कार्ड नहीं दिया गया है, तो मैंने अलग से ये एसडी कार्ड परचेस किया है सैंडिक्स का 128 GB, जिसका स्पीड 170 MB/s है। तो चलिए हम इसको अभी लगाते हैं। ये एसडी कार्ड पोर्ट में चला गया एसडी कार्ड, और हम अभी इसमें बैटरी अपना डालेंगे। हो गया, और इसको क्लोज। अभी हम लेंस अटैच करते हैं, तो इसको रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज खोल देते हैं। और ये लेंस है, लेंस का भी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज खोल लेते हैं। तो ये रहा लेंस हमारा, तो ये रेड से रेड हमें मैच करना है ऐसे, और इसको क्लॉकवाइज आवाज़ आने तक घुमा देना है। और ये हमारा फिक्स हो गया। कवर को हम हटा देते हैं। ये तो हमारा फाइनली लेंस, बैटरी और एसडी कार्ड लग गया। तो हमारे पर ये स्क्रीन भी है, इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये रहा, और ये पूरा रोटेट भी होता है, ये देख सकते हैं। ये तो ये ऐसे रोटेट, इसको वापस हम ऐसे डाल सकते हैं। तो ये रहा अभी कैमरा, तो अभी हम इसको ऑन करेंगे। तो ये हमारा ऑन ऑफ बटन है, इसको मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पर हमारा कैमरा ऑन हो गया है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अनबॉक्सिंग वीडियो। थैंक यू।